चैप्टर 13 का रिवीजन लेंगे हम। लेट्स कंटिन्यू। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, चैप्टर नेम इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इसमें इट इज बेस्ड ऑन द सरफेस एरिया, कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। एक्सरसाइज 13.1 में सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। सो एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 6। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ टू हेमीस्फेयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट एंड्स। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। ये जो लेंथ है इसकी कैप्सूल की 14 mm है, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। ये जो डायमीटर है इसका, दिस वन, ये 5 mm है डायमीटर, 5 mm टोटल लेंथ। तो रेडियस यहां पर हो जाएगी 5/2 mm, टोटल लेंथ। टोटल लेंथ ऑफ द कैप्सूल, टोटल लेंथ लिख देंगे यहां पर। दिस इज द शेप ऑफ अ कैप्सूल। कैप्सूल का जो शेप है देखो, अब यहां पर ये तो सिलेंड्रिकल पार्ट है और इसमें ये दो हेमिस्फेयर है, मींस टू टू सॉलिड्स। यहां पर टू सॉलिड्स हैं, सिलेंडर हो गया दिस वन और हेमिस्फेयर। सो इनका जो कॉम्बिनेशन है, सो इसी तरह से आगे क्वेश्चंस भी इसी पर बेस्ड होंगे, सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। अब यहां से 5/2 5/2 मिलके 5 हो गई। सो दिस लेंथ, ये जो रिमेनिंग लेंथ रहेगी, दिस वन इज 9 mm। दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर। टोटल लेंथ 14 mm। कैप्सूल की जो टोटल लेंथ है वो 14 mm है। रेडियस दोनों की सेम रहेगी यहां पर, रेडियस ऑफ द हेमीस्फेयर एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ये जो रेडियस है दोनों की रहेगी सेम, सिलेंडर एंड हेमीस्फेयर। सिलेंडर और हेमीस्फेयर दोनों की रेडियस यहां पर सेम रहेगी। इज इट क्लियर? टोटल लेंथ 14 mm। सो हाइट, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल्स टू टोटल लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ 14 माइनस ये 2 × 5/2। सो 2 से 2 कैंसिल, 14 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 9 9 mm। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है पहले भी और अभी भी आ सकता है। सो हाइट ऑफ द सिलेंडर जो रहेगी हमारी 9 mm रहेगी। इज इट क्लियर? वी हैव टू फाइंड इट्स सरफेस एरिया। इस पूरे सॉलिड का हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। सिलेंडर और हेमिस्फेयर की रेडियस 5/2 है, हाइट ऑफ द सिलेंडर 9 mm। नाउ सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया जो रहेगा सॉलिड का, फाइंड इट्स सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड इज इक्वल्स टू सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर या सी एस ए ऑफ सिलेंडर, पहले लिख देते हैं सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ टू हेमिस्फेयर, टू हेमिस्फेयर्स। क्लियर?
नाउ CSA ऑफ सिलेंडर इज CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू CSA ऑफ 2 हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर. सो 2 पाई आर यहां पर कॉमन आ जाएगा, 2 पाई आर इज कॉमन, 2 पाई आर. यहां रिमेनिंग बचा है एच प्लस 2 आर. सो पुट द वैल्यू आर इज इक्वल्स टू 5 बाई 2 है और h इज इक्वल्स टू 9. सो 2 इंटू 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 5 बाई 2 देन इन ब्रैकेट h प्लस 2r h प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 बाई 2. सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स वंस अगेन अच्छे से समझ लो. इसके अंदर टू और मोर देन टू सॉलिड्स, मिनिमम टू सॉलिड्स तो रहेंगे ही सही. सो इनका कॉम्बिनेशन हो जाएगा. यहां पर ये सिलेंडर है, सिलेंडर के साथ टू हेमिस्फेयर. सो वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. टू पाई आर, टू से टू कैंसिल हो गए यहां पर. सो 22 बाई 7 मल्टीप्लाई 5 और ब्रैकेट में ये 2 से 2 कैंसिल. सो 9 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 5. 9 प्लस 5 14. सो 7 वन जा 7, 7 टू जा 14. सो ओवरऑल 220 मिलीमीटर स्क्वायर. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. ये हमारा आंसर रहेगा 22 5 जा 110 एंड 110 मल्टीप्लाई बाय 2. सो दिस एक्सरसाइज 13.1 ये सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पर बेस्ड है. नेक्स्ट एक्सरसाइज लेंगे वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड पर बेस्ड है, एक्सरसाइज 13.2. इसमें सारे क्वेश्चन कॉम्बिनेशन सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन पर बेस्ड थे. नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.2 इट इज बेस्ड ऑन द वॉल्यूम. 13.2 जो एक्सरसाइज रहेगी वो वॉल्यूम पर बेस्ड रहेगी. इसका क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं. 13.2 क्वेश्चन नंबर 1. अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर. स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर के ऊपर कोन. लाइक दिस, ये इसका शेप होगा, हेमिस्फेयर के ऊपर कोन. अगेन लिसन मी, एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1. इट इज बेस्ड ऑन द वॉल्यूम. अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर विथ बोथ दियर रेडियाई बींग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. रेडियस 1 सेंटीमीटर है दोनों की रेडियस. दिस इज हेमिस्फेयर एंड दिस वन इज कोन. आर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर एंड कोन दोनों की रेडियस यहां पर इक्वल है. इज इट क्लियर? एंड द हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू इट्स रेडियस. हाइट ऑफ कोन, कोन की जो हाइट है रेडियस के इक्वल है. एच इज इक्वल्स टू आर, एच इज इक्वल्स टू आर है. थोड़ा सा डायग्राम को हम हल्का सा इसको ट्विस्ट कर दें, थोड़ा सा अप्रोक्स इस तरह का लग जाएगा, लाइक दिस.
डायग्राम आपकी इच्छा हो तो बनाए, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, बस ये तो समझाने के लिए मैंने बना दिया है अप्रोक्स। आर और एच यहाँ पर इक्वल है, दिस वन इज कोन, दिस वन इज हेमिस्फेयर, आर इज इक्वल्स टू एच इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ये रिलेशन आपको दे रखा है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अब वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड में यहां पर देखिए आपको कौन कौन से सॉलिड नजर आ रहे हैं, क्या क्या है यहां पर, एक तो हेमिस्फेयर और एक कोन है, सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज, फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए, 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये 1 मार्क 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क और 2 मार्क्स में आ जाता है जनरली। नाउ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, जितने फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न होंगे, क्लास 9th में भी आपने पढ़े हैं, क्लास 10th में भी, पहले जो वीडियो भेजा उसमें सारे फॉर्मूले आपको भेजे थे, सो फर्स्ट रिवाइज द फॉर्मूला, सबसे पहले आपको फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, अदरवाइज यू कांट सोल्व दीज क्वेश्चन। आपको सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स, सबके फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए, अगर फॉर्मूले लर्न होंगे तो एक्सरसाइज बहुत इजी रहेगी। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पुट द वैल्यू, अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, 2/3 पाई को पाई रहने देंगे, पाई आर क्यूब 1 का क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर भी 1 है एच भी 1 है, सो 2/3 पाई, 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई, सो ओवरऑल 3/3 पाई, और आंसर यहां पर आ जाएगा हमारा पाई सेंटीमीटर क्यूब, 3 से 3 कैंसिल, 2/3 प्लस 1/3 मिलके ये 3/3 पाई हो जाएगा, सो ओवरऑल रिक्वायर्ड आंसर जो हमारा रहेगा, द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इक्वल्स टू पाई सेंटीमीटर क्यूब, आंसर पाई की फॉर्म में लाना था। नाउ वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच्ड एट इन 2 एंड्स, एक ऐसा मॉडल बनाया है इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने, उसमें सिलेंडर के दोनों साइड पे कोन है, सिलेंडर के दोनों साइड पे कोन्स अटैच है, सो इसका रफली डायग्राम बना लेते हैं, एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर आपने बना दिया, इसके दोनों साइड पे कोन, ये कोन, दोनों साइड पे कोन, सिलेंडर के बोथ साइड्स पे कोन लगा दिया आपने। नाउ द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, मॉडल का जो डायमीटर है दिस वन, ये यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर,
डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, सो रेडियस इज इक्वल्स टू 3/2 सेंटीमीटर। क्लियर? द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इस पूरे मॉडल की जो लेंथ है यहां से यहां तक 12 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोन जो है 2 सेंटीमीटर, h इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, h इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। सो रिमेनिंग हाइट, ये जो रिमेनिंग हाइट है सिलेंडर की, यहां पर रिमेनिंग हाइट निकालें, देखो ये 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर, सो 12 - 4 इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? पहले आपको डायग्राम बना के आपको रफली इस तरह से आपको मैनेज करना है। इज इट क्लियर? नाउ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रसेल मैड। आपको पूरे मॉडल का जो है वॉल्यूम निकालना है यहां पर। नाउ हाउ टू फाइंड वॉल्यूम, देखो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स वाला है, दो सो विच सॉलिड्स, कौन कौन से सॉलिड हैं इसमें, एक तो सिलेंडर हो गया ये, दिस वन सिलेंडर और दिस वन इज कॉन। सो ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जब हम निकालेंगे तो क्या क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आएगा एक तो, एंड वॉल्यूम ऑफ टू कॉन्स, ये हमारे यहां पर आएंगे, r इज इक्वल टू 3/2, h स्मॉल h जो है कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर, कोन की हाइट ले लिए, हाइट ऑफ द कोन, देन कैपिटल h टोटल हाइट, पहले तो टोटल लेंथ लिख देता हूं मैं, टोटल लेंथ मॉडल का जो टोटल लेंथ है, द टोटल लेंथ ऑफ द मॉडल 12 सेंटीमीटर, बी केयरफुल, बहुत अच्छे से करना है, अच्छा क्वेश्चन है, टोटल लेंथ इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, सो हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल्स टू, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल्स टू 12 - 2 × 2, सो 12 - 4 इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, 12 - 4 इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। इसको कैपिटल एच से ले लेते हैं, ये दो दो जगह हाइट है, एक को स्मॉल एच से और एक को कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर दिया। इज इट क्लियर? नाउ वॉल्यूम ऑफ द एंटायर सॉलिड, रेडियस यहां पर सेम है, वंस अगेन लिसन मी, ये पूरा डायमीटर है, ये दिस वन इज द डायमीटर, सो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर एंड रेडियस ऑफ कोन विल बी सेम, दोनों की जो रेडियस रहेगी 3/2 रहेगी, बिकॉज द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इन द मॉडल, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल इज इक्वल्स टू, अब यहां पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कॉन्स, ये हमें अप्लाई करना है, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल, या आप इसको सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड भी लिख सकते हो, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
वॉल्यूम ऑफ टू कॉन्स, ये दोनों साइड पे इसके कॉन अटैच है. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कॉन्स. अब यहां पर फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, फॉर्मूला लर्न नहीं होगा तो देन फिर यहीं स्टॉप. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर और यहां कैपिटल एच लिया था मैंने, प्लस टू इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. पाई को पाई रहने देते हैं, पाई आर स्क्वायर यहां पर कॉमन लेते हैं. पाई पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया सपोज, तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा एच प्लस, देखो पाई आर स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन ले लिया, सो कैपिटल एच प्लस 2/3 इंटू स्मॉल एच. नाउ पुट द वैल्यू, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं. पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर डायमीटर 3 है, रेडियस हो जाएगा 3/2 होल स्क्वायर, ब्रैकेट में कैपिटल एच 8, देन 2/3 और यहां पर हो जाएगा 2. हाइट ऑफ द कोन, दिस इज द हाइट ऑफ द कोन एंड दिस वन इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर. ये आपको ध्यान रखना है, कैपिटल एच जो मैंने लिया है और आप भी इसी तरह से दोनों एच अगर सेम हो जाएगी तो यहां पर कॉमन लेंगे तो 5h बन जाएगा, इट बिकम्स 5h. सो बी केयरफुल, अगर हाइट डिफरेंट है या रेडियस भी डिफरेंट है तो या तो आप r1 r2 लें या फिर h1 h2 लें, वट एवर. सो पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच 8 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 2. सो ओवरऑल अब कैलकुलेशन करेंगे, 22/7 मल्टीप्लाई 9/4 देन इन ब्रैकेट 3 एलसीएम आ जाएगा यहां पर, 3 इज द एलसीएम, एट 3 जा 24 प्लस 4, 2 जा 4 एलसीएम लिया है यहां पर, 3 8 जा 24 प्लस 4, सो एलसीएम तो यहां पर हमारा 3 आएगा और क्रॉस प्रोडक्ट करके हम निकाल लेंगे. सो बाय डूइंग कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 22/7 इंटू 9/4, 28/3, देखो 7/4 जा 28, 28 से 28 कैंसिल, 3/1 जा 3, 3/3 जा 9, सो 66 सेंटीमीटर क्यूब इज द रिक्वायर्ड आंसर. ये हमारा आंसर रहेगा 66 सेंटीमीटर क्यूब, इट इज द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट जो हमें चाहिए, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल, आंसर इज 66 सेंटीमीटर क्यूब. आफ्टर दिस नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.3, एक्सरसाइज 13.3 लेते हैं हम. एक्सरसाइज 13.3, इसका हम क्वेश्चन नंबर यहां पर 3 लेते हैं. क्वेश्चन 1 भी मैं ओरली एक्सप्लेन कर देता हूं. अ मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट. क्वेश्चन 1 तो मैं आपको ऐसे ही ओरली समझा देता हूं. क्वेश्चन नंबर 1, अ मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इन टू द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालनी है. मेटेलिक स्फेयर की रेडियस आपको 4.2 सेंटीमीटर दे रखी है. V1 इक्वल्स टू V2 के कंसेप्ट पर बेस्ड है. किसी भी चीज का अगर हम रीशेप करते हैं मेल्ट करके
तो वॉल्यूम्स पे फर्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम सेम रहते हैं। इसमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दिस वन इज सफिशिएंट, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये केवल ऑरली मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इस पर बेस्ड है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम स्फीयर 4/3 πr³ रहता है, 4/3 πr³, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h। अब यहां पर रेडियस अलग अलग है, तो एक की रेडियस को r1 ले लेंगे, एक की रेडियस को r2, πr²h, और वैल्यू पुट कर देंगे। दोनों की रेडियस यहां पर 4.2 सेंटीमीटर, तो स्फेयर की रेडियस है, ये जो रेडियस है 4.2 है, इसकी जगह पे 4.2 पुट कर देना, और यहां पर जो रेडियस है सिलेंडर की, जो रेडियस है 6 है, इज इट क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन बाय डूइंग कैलकुलेशन हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये कंसेप्ट है एक्सरसाइज 13.3 का, कंसेप्ट ऑफ द एक्सरसाइज 13.3। इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे, वॉल्यूम 1 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम 2, इस पर बेस्ड रहेंगे, मेल्टिंग वाले क्वेश्चंस रहेंगे। अगर हम मेल्ट कर देते हैं तो एक का वॉल्यूम दूसरे के वॉल्यूम के इक्वल आ जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री देते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। अ 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाय 14 मीटर, फुल स्टॉप, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। 20 मीटर डीप वेल इज डग आउट, मीन्स एक तरह से, मतलब अपनी लैंग्वेज में बोलें तो वेल में से जो मिट्टी निकालते जा रहे हैं, उसको डालते जा रहे हैं, वेल को खोद रहे हैं, और उस मिट्टी को साइड में जहां रखते जा रहे हैं, तो उससे एक प्लेटफॉर्म बन गया, और वो जो प्लेटफॉर्म जो बन रहा है उसका जो शेप है वो क्यूबॉइडल है। तो एक तरफ तो हम वेल के लिए ले लेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री, इस तरह से कर सकते हैं हम वेल, और एक तरफ आप लिख सकते हो प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म जो बन रहा है इसका जो शेप है वो किस तरह का शेप है, प्लेटफॉर्म का जो शेप होगा, प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ, प्लेटफॉर्म का जो शेप है वो होगा क्यूबॉइड, और ये जो वेल है, वेल का जो शेप है ये है सिलेंडर। वेल का शेप, ट्यूबलाइट का शेप सबको पता होना चाहिए, सिलेंडर में आते हैं ये वेल। अब वेल में से आपको वंस अगेन एक बार फिर समझा देता हूं, अ 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर, इसका जो डायमीटर है 7 मीटर, सो रेडियस इज इक्वल्स टू 7/2 मीटर, एंड द हाइट, डेप्थ जो है इसकी 20 मीटर डीप, 20 मीटर है, डेप्थ ऑफ द वेल इज 20 मीटर, क्लियर? और यहां जो प्लेटफॉर्म बन रहा है उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लेंथ, ब्रेथ और हाइट एल बी एच। ट्वेंटी टू मीटर बाय 14 मीटर, प्लेटफॉर्म की जो डायमेंशन दे रखी है 22 मीटर बाय 14 मीटर, एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाय 14 मीटर, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। ये आपका इस तरह से आपका क्लियर, एक तरफ वेल है, एक तरफ प्लेटफॉर्म है, ये सिलेंड्रिकल है, दिस वन इज क्यूबॉइडल। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, V1 इक्वल्स टू V2 का कंसेप्ट लगेगा, V1 इज इक्वल्स टू V2, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, वेल का जो शेप है सिलेंड्रिकल है, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड।
ये आपका इस तरह से आपको अरेंज करना है। मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया एक्सरसाइज जो 13.3 है, यहाँ 13.3 मेंशन कर देते हैं। एक्सरसाइज 13.3 जो है वॉल्यूम के कंसेप्ट पे है, लेकिन वॉल्यूम भी यहाँ पर दोनों के इक्वल होंगे, मेल्टिंग होगा या कुछ इस तरह की सिचुएशंस बनेंगी, सो V1 इज इक्वल्स टू V2 आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको ऑरली एक्सप्लेन किया था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वहां पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के था। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, V1 इज इक्वल्स टू V2 पाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू, यहाँ कैपिटल इसलिए लिया है क्योंकि ये दोनों साइड पे हाइट है, कंफ्यूजन नहीं हो, अदरवाइज एच से एच कैंसिल हो जाएगा। सो एल इंटू बी इंटू एच, क्लियर? वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, अब हम पाई की जो वैल्यू है 22/7 आर स्क्वायर, 7/2 का स्क्वायर, 22/7 इंटू 7/2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई कैपिटल एच को यहाँ एच ही रहने दिया। नाउ डूइंग कैलकुलेशन, अब हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करके आपको आंसर निकालना है। अब सिंपल अगर हम कैलकुलेशन देखें तो देखो ये 22 से 22 कैंसिल हो गया, सबसे सिंपल। नाउ 7 × 7, 7 का स्क्वायर अपॉन 7 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 20, और ये जो 14 है यहां पर नीचे आ गया, ये 14 यहां डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 7 × 7, 2 का स्क्वायर 2 × 2 कैपिटल एच, वी हैव टू फाइंड, 7 से 7 कैंसिल, नौ 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, और ये यहां पर 2 × 2 = 4, 4 से 5 टाइम कैंसिल हो गया, सो ओवरऑल रिमेनिंग आया 5/2, और 5/2 का मतलब होगा 2.5 मीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, देयरफॉर द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो चैप्टर 13 का जो हमारा जो रिवीजन है, चैप्टर 13 इज डन, चैप्टर 13 इसी कंसेप्ट पर है, तीनों एक्सरसाइज के मैंने क्वेश्चंस ले लिए हैं, सो दिस वन इज डन।